छठवें गुरु हरगोविंद साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर लगा स्वास्थ्य शिविर अयोध्या। रामनगरी के नजरबाग स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम अयोध्या में छठवें गुरु हरगोविंद साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन खालसा फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से किया गया। शिविर का उद्घाटन IG प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल द्वारा किया गया। इस शिविर में पेट और हृदय रोग के विशेषज्ञ भी परामर्श के साथ BP, शुगर, ECG, SpO2, वजन, BMI की जांचें निःशुल्क चल रही है। जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिख धर्म के यहां पे मुझे जो मरीज हैं करीब 35-40 देश में हैं और ये मरीज जो हैं लाइफस्टाइल चेंजेस वाले ज्यादा है और ही स्ट्रोक वाले ज्यादा मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब होता है कि BP और शुगर के जो मरीज हैं, जो अनडायग्नोज केस जो रहते हैं, जो कभी बाबूजी आए नहीं है, कभी जिन्होंने दवा नहीं खाया है, वो पहली बार अगर कैंप में अगर वो हमारे से डायग्नोज हो पा रहे हैं और उनकी जीवन शैली अगर सुधार हो पा रही है तो ये बहुत ही सही बात है और बहुत एक सार्थक प्रयास है यहाँ के गुरुद्वारा कमेटी का भी और यहाँ के लोगों का भी कि फैजाबाद के अयोध्या में हम लोग यहाँ पर कैंप लगा करके और न्यूली डायग्नोज जो मरीज होते हैं उनके बारे में हम लोग ले पा रहे हैं, उनको सही जानकारी और सही दवा का दे पा रहे हैं। ये बहुत सार्थक प्रयास है। स्ट्रोक के इसमें करीब 15-16 मरीज हमारे पास हीट स्ट्रोक के आए हुए हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा ये होता है कि BP जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है या बिलो द मार्जिन रहता है, जिस वजह से जो हीट स्ट्रोक है उनको ज़्यादा असर करती है, उनके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव जो है ज़्यादा दिखाई देता है हमारे, तो उनको जैसे इस समय गर्मी का दिन है और हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा है तो उनसे बचाव के लिए जो जिनका बिलो BP रहता है उनको नमक थोड़ा सा नॉर्मल से अबव खाना चाहिए, लेकिन जिनका BP अगर ऊपर है तो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जिनका BP नीचे रहता है उनको ORS और पानी, डिहाइड्रेशन, लिक्विड डाइट सबसे ज़्यादा लेते रहना चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेशन से बचे रहें और बाहर निकलें तो भी मतलब जैसे आपने गमछा बांध रखा है तो इस तरह का भी प्रयोग करते रहें, बहुत अच्छा चीज़ होता है, प्रयास रहता है और ज़रूरत रहे तो ही निकलें, ना ज़रूरत है तो निकलने की ज़रूरत ही नहीं है पहली बार तो घर से। इनमें हम इंटरनल मेडिसिन के सारे मरीजों को देख सकते हैं, जैसे BP हो गया, शुगर हो गया, वैसे सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो सर्जरी वाले देखते हैं और उसको फिर आगे कंफर्मेशन के लिए फिर सर्जिकली आगे जाते हैं। हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट जा करके ये सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। करीब जो इस तरह से अभी भीड़ लगी हुई है, करीब 150 से ऊपर की भीड़ लगी हुई है और 150 के ऊपर अभी तक हमारे पास 40 करीब 40 नहीं, हमारे पास BP और शुगर की पूरी दवाइयाँ मतलब उसकी जांच है और ECG भी हम लोग कर रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, इस बार कोशिश करेंगे अगली बार हम दवा का भी पूरा का पूरा रेंज लेके चले हैं उस तरह का हम यहाँ पे कर पाए। देखिए निःशुल्क कैंप लगाने का और यहाँ पे कैंप लगाने का हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है, जो अनडायग्नोस्ड केस हैं उस डायग्नोज बना करके उनकी जीवन शैली को सुधार पाएँ, उनको हम एक सही रास्ते पे एक दवा का रुख दे पाएँ, ये सबसे ज़्यादा हमारा मोटर रहता है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, मैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से हूँ।